कि जैसे वो लोग भी उतरे ना, वो भी तुरंत उतरते साथ ही जैसे पहले वाले व्यक्ति के ना, वैसे वो भी फड़फड़ाने लगे। जो नीचे उतर करके बांध रहे थे, बांधने के लिए गए थे, उसी दौरान वो बेहोश हो गए। और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति दौड़ के गया, वो भी उतर गया तो भी रह गया, तीसरा व्यक्ति गया तो भी रह गया, तो सब घबरा के फिर बाहर कोई नहीं उतरे। जी इस वक्त हम ग्राम कुआं पे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं और खुद खेत मालिक है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या है स्थिति और क्यों ऐसा हुआ है, क्या बात है जी, बताओ। हाँ, ये कुआं में उतर गए और उतरने के बाद जो है नहीं निकला तो तत्काल सब आदमी दौड़ पड़े और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति दौड़ के गया, वो भी उतर गया तो भी रह गया, तीसरा व्यक्ति गया तो भी रह गया, तो सब घबरा के फिर बाहर कोई नहीं उतरे और सब फिर इधर उधर सब फोन वगैरह किए और तो सब लोग आ गए यहाँ। हमारे साथ और भी यहाँ पर हैं कुछ लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर ये स्थिति कैसे हुई और क्यों। क्या है, जो आत्माराम साहू है ना, वो इनके खेत को मतलब अधिया उधिया लेता है, तो 15 दिन पूर्व मतलब मोटर को निकाले थे इन लोग जी। तो 15 दिवस पहले उतरे थे वही आत्माराम साहू उस कुएं में जी। तो केसिन को ढकने के लिए वो उतरा था, वो तो जैसा ही वो उतरा मतलब वो तो हड़बड़ा के वो पानी में गिर गया है। तो उसको बचाने के लिए ये जो राकेश साहू है वो 25 साल का है जी। वो उतरे तो वो भी वैसे गिर गया, उनको बचाने के लिए राम कुमार ध्रुव जी उतरे वो भी वैसे ही हो गया, तो तीनों की मौत हो गई। जो जो खत्म हुआ है बता रहे हैं जी, वो परिवार के ही है बता रहे हैं। हाँ, वो आत्माराम साहू परिवार का, इनका वो तीनों एक ही परिवार नहीं, नहीं 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 नहीं, आत्माराम साहू जो है ना वो इनका अधियारा है, वो इनके परिवार के हैं, परशुराम साहू के, और जो राकेश साहू है वो अलग परिवार का है, और राम कुमार ध्रुव जो है वो अलग परिवार का है। तो ये थे जो खेत मालिक है, वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले पंप को निकाले थे और पंप कुएं के अंदर बोर है, वो बोर को ढकने के लिए नीचे उतरे थे और उस दरमियान ये हादसा हुआ है, जिसको लगातार एक के बाद एक तीन व्यक्ति उतरे और तीनों की मौत कुएं में हो गया। सूचना पर पुलिस यहां पहुंची हुई है और पूरा मुआयना कर रेस्क्यू टीम अभी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए विवेचना जारी है। ये ग्राम चंदू में कुआ करके एक गांव पड़ता है, वहाँ भी सूचना मिली थी कि राम अखिलेश करके एक व्यक्ति है, उसके खेत के पास एक कुआं बना हुआ है, उसमें तीन व्यक्ति डूबे हुए हैं। हम लोगों द्वारा आकर के मौके का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि ये एक आत्माराम साहू करके है, जिसको राम अखिलेश साहू जो है, जिनका ये खेत था उसको अधिया में दिया हुआ था खेत, उसके द्वारा केसिंग पाइप को ठीक करने के लिए कुआं में उतरा गया और इसी दौरान जब वो पानी में गिरा तो आसपास के लोग देख करके फिर दो लोग और उतरे, वो भी कुएं में अभी गिरे। वो नीचे केसिंग को बांधने के लिए उतरा था और उसके बाद नीचे उतरा ना तो फड़फड़ाने लगा, उसके बाद हम लोग यही काम कर रहे थे, उसके बाद रोड में जाकर बाहरी व्यक्ति को बुलाया कि चलो भाई मेरा चाचा ऐसे कर रहा है बचाने के लिए इसे डेबे कर, तो बाकी लोग आए, उसके बाद दो व्यक्ति और उतरा, वो भी उतरते साथ वैसे ही करने लगे। तो इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुएं के अंदर जहर भी गया था ऐसे समय? अब देखो सर, कुएं के अंदर वही हो सकता है, इसी कारण है कि जैसे वो लोग भी उतरे ना, वो भी तुरंत उतरते साथ ही जैसे पहले वाले व्यक्ति के ना, वैसे वो भी फड़फड़ाने लगे और बाकी नीचे से कोई आवाज़ वगैरह नहीं आया कि चलो बचाव किए करो ऐसे करो, ऐसे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था नीचे से। यहाँ एक केसिंग पाइप लगा हुआ है कुआं में, पुराना कुआं है, और उसको जो सफाई के लिए ना बांधने के लिए कचरा ना जाए करके एक व्यक्ति है, वो आत्माराम साहू, जो नीचे उतर करके बांध रहे थे, बांधने के लिए गए थे, उसी दौरान वो बेहोश हो गए। इसी बीच यहीं पास में मजदूर काम कर रहे थे, उन लोग आए और बीच बचाव के लिए कुछ लोगों को आवाज़ किया तो कुछ गांव के लोग आए, उसके बाद दो व्यक्ति, एक राकेश साहू और एक राम कुमार ध्रुव, ये रस्सी के सहारा लेकर के नीचे उतरे बचाने के लिए। फिर दोनों नीचे जैसे पानी के करीब गए तो दोनों व्यक्ति बेहोश हो गए। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।